आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल। मैं आज सबके लिए यहाँ पे एक बेबी सॉक्स लेके आई हूँ, यानी बेबी बूटीज। यहाँ पे दो कलर में बनाऊंगी, आपको जो पसंद है उस कलर से आप इसे बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आप सबको कैसे लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊन की बात कर लेती हूँ, तो ऊन हमने यहाँ पे 4 ply पतली वाली ली हुई है और यहाँ पे जो क्रोशिया नंबर हमने लिया हुआ है 3 mm लिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे, इस तरह से दो उंगलियों के बीच में धागे को घुमाना है, इस तरह से पीछे वाला धागा इस तरह से डालेंगे, आगे वाले के धागे के अंदर से डालना है और पीछे वाला धागा खींचते हुए अपनी ओर लाना है आपको। यहाँ चेन बनाएंगे हम, 3 चेन बनाना है आपको, 1, 2 और ये 3। 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया काउंट होगी, इस जगह हम डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट करते हुए हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1, 2 और ये 3। चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2। इस धागे को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। फिर से इस रिंग के अंदर डालेंगे हम और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करते हुए इसे हम 4 डिज़ाइन बनाएंगे, 3 3 डबल क्रोशिया की 4 डिज़ाइन बनाना है, 3 3 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच बीच में आपको 2 2 चेन लेते हुए जाना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना ली, अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, 1 2 और ये 3। ठीक है, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। इस धागे को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। फर्स्ट में जो हमने यहाँ पे चेन बनाई है, इस चेन के ऊपर हम इस तरह से लेंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसी जगह से स्टार्ट कर देंगे हम बनाना, चेन लेंगे 1, 2 और ये 3। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई, सेकेंड वाली चेन पे डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया कर लेना है आपको। अब आ जाते हैं 2 चेन के बीच में, यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है पहले, 1 2। ठीक है, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर इस जगह पे डालेंगे इसी की चेन के अंदर और 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाना है और जो हमारे बीच में जो 2 चेन का हमने गैप लिया हुआ है इस जगह पे आएंगे तो हम वहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिए। अब आ जाते हैं इसके बीच में, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2। फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से करते हुए सेकंड राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते 2 चेन के गैप में, यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 और ये 2। फिर से इसी जगह पे डालना है आपको, 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट में जो हमने 3 चेन लिया हुआ था, यहाँ पे ऊपर में जाके सबसे फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गई, थर्ड राउंड के लिए 1, 2 और ये 3 चेन। अब यहाँ से देखिए, ये हमने 1 चेन के ऊपर हमने यहाँ पे चेन बनाया तो ये 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे, यानी जहाँ हमने 2 चेन लिया उससे पहले जितनी भी डबल क्रोशिया आएगी उसके ऊपर आपको 1 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है,
अब इसके बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से करना है टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया। टू चेन और टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू। यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे हम इस डबल क्रोशिया को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, सेवन डबल क्रोशिया बनाते हुए। यहाँ पे हमारी थर्ड राउंड बनके कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे स्लिप करेंगे। वन चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे हम। इस धागे को पीछे की ओर लेके चले जाएंगे। इस तरह से बन गई। अब हम यहाँ पे लेंगे व्हाइट कलर का धागा, यहाँ पे हमने गांठ लगा लिया। गांठ लगाने के बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है, ठीक है, ये वाली, इस जगह से डालेंगे हम यहाँ पे और इसे बनाना शुरू करेंगे। ये जो दो चेन का गैप लिया हुआ हमने, इसके बीच डालेंगे हम और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, वन डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर डालेंगे फिर से वन डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे टू डबल क्रोशिया कर लिया, सॉरी, इसे आपको उल्टा दिशा से बनाना है। ये सीधा भाग है और इधर उल्टा, ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना इसे। वन डबल क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे, टू डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी डबल क्रोशिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन के ऊपर इलेवन डबल क्रोशिया करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से इलेवन डबल क्रोशिया पहले कर लेती हूँ मैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे टू चेन का गैप में आ जाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चेन, वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, इलेवन डबल क्रोशिया करेंगे और इस चेन में हम टू डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। डबल क्रोशिया तक हमने बना लिया। अब इस टू चेन के अंदर हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाते हुए हम धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम पिंक कलर लेंगे, पिंक कलर लेने के बाद इस जगह से फिर से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने यहाँ पे बनाया, इस जगह से लेना आपको। अब यहाँ पे लेंगे और इस जगह से स्टार्ट करेंगे, पहला डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर से लेना आपको और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से जितने भी डबल क्रोशिया सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे हम। अब देखिए इसके बीच में आ गए टू चेन के गैप में, तो यहाँ पे हम फिर से लेंगे टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चेन, टू डबल क्रोशिया, अब यहाँ से जितनी भी डबल क्रोशिया यहाँ से बनाते हुए जाएंगे फिर यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारी दो लाइन हो गई, तीन लाइन और बनाती हूँ उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है पूरी तरह से, हमने इसे बना लिया।
सॉरी, अब इसके सिलने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। अब ये जो सीधा पार्ट है, यहाँ हमने उल्टा बनाया था, ठीक है। उल्टे पार्ट से हमने ये बना डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया था। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा पार्ट को अंदर करेंगे, इधर से डबल क्रोशिया का जो उल्टा पार्ट होगा इसे आपको ऊपर रखना, इस तरह से। अब यहाँ से रखने के बाद हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ आपस में से मिलाना है आपको। अब यहाँ से सिलाई करते हुए जाएंगे हम, अब यहाँ से सिलाई करते हुए आपको यहाँ तक आना है, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ से लेंगे इधर और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक छोड़ देना आपको, यानी डबल क्रोशिया आपको यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 डबल क्रोशिया हम इधर भी छोड़ देंगे, 10 डबल क्रोशिया इधर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से अब चेन से चेन में मिलाते हुए आपको सिलाई करना है, इस तरह से लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, इसे दोनों साइड हमने 10 10 डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, तो इसके बीच में जो दो चेन है यहाँ पे इस तरह से लेंगे हम, पहले इसे इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद हम इधर से इधर सिलाई करेंगे, इसके बाद फिर इधर से इधर, ठीक है। चलिए सिलाई कर लेती हूँ पहले, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधा हो गया, ये नीचे का तलवा हो गया और ये ऊपर भाग। अब इसे हम इस तरह से देखिए, जिसे हमने सीधा किया था सीधे को हमने अंदर भाग रखा, तो इसे आपको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे, इस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए लगा के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी बेबी कुटीज बन के रेडी हो गई है, कुछ इस तरह से है। ये आपको 0 से लेके 3 मंथ्स बेबी के लिए आ जाएगी, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।